जैसा कि हम कह रहे थे कि अब टाइप थ्री के बारे में पढ़ना है, पावर बेस्ड क्वेश्चन। हमने क्या बताया था? पावर बेस्ड क्वेश्चन। अब जो ये पावर बेस्ड क्वेश्चन है ना, है ना, ये जो पावर बेस्ड क्वेश्चन है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जरा देखो। जैसे मैंने कहा कि अगर पावर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो ये दो टाइप का होगा। एक है व्हेन पावर इज डिविजिबल बाय फोर, व्हेन पावर इज डिविजिबल बाय फोर, डिविजिबल बाय फोर, और दूसरा होगा व्हेन पावर इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, व्हेन पावर इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, नॉट डिविजिबल बाय फोर। ये दोनों कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, ये दोनों चीज कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पहले इसको देखो, पहले इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं, पहले समझो, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेंगे फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पर फटाफट स्क्रीन, दो टाइप से बनेंगे पावर बेस्ड क्वेश्चन, दो टाइप के रहेंगे। जैसे अब से जो समझो, मैंने कॉन्सेप्ट समझो, अपने आप सारी चीजें आएंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एक मान लो कि पी क्यू आर एस, ये तीन डिजिट का एक नंबर है और इसकी पावर है ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी, मान लो इसके ऊपर ये मान लो तीन डिजिट का एक नंबर है, उस पर चार डिजिट का एक पावर है। हमको नंबर्स में केवल यूनिट डिजिट यानी आर से मतलब है और हमको पावर में यानी लास्ट की टू डिजिट से मतलब है। बात आ गई समझ में? बोलो आप कहोगे हाँ आ गया बात समझ में। हम सी डी को फोर से डिवाइड करेंगे। ऑलवेज कितने से डिवाइड करना है? फोर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कुछ क्वेश्चेंट जाएगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बनेगा क्योंकि पावर फोर से डिविजिबल नहीं है। अब आप कहोगे समझ में नहीं आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा कि 4, 3, 8 की होल पावर कितना दे दें, 2, 8, यहाँ पे कर दें 9, या यहाँ पे हम एक चीज़ और ले लें, यहाँ पे कर देंगे 5। हमें पावर यहाँ नंबर्स में केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, पावर में टू डिजिट से यानी 95 से मतलब रखना है। बोलो भाई ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है। फिर हमने कहा ये जो 95 पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 कितना होगा? 8 होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5, और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। रिमाइंडर कितना बचा? 3। यही आपका कौन है? आर है। बोलो भाई बात सब लोग समझ पाए कि नहीं? यही रिमाइंडर कितना है? आर है। तो आप कहोगे हाँ समझ गए। फिर कुछ नहीं करना है, इस आर के ऊपर ये स्मॉल आर लिख देना है, यानी यहाँ पे जो आपका यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा उस जो रिमाइंडर बच रहा है उसको, यूनिट डिजिट पे कौन बैठा है? 8। अब 8 की पावर 3 कर देंगे, 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। 512 का यूनिट डिजिट कितना आया? 2। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, काम खत्म है। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं एक एग्जाम्पल और लिख बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 537 की होल पावर यहाँ से आपसे कह दे 999, इसका आपको क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। तो यू नहीं, आपको केवल 7 से मतलब रखना है, 7 की पावर 99। अब 99 को आप 4 से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। तो 4 2 8, यहाँ आया 9, अच्छा 4 4 16, 4 4 16 के रिमाइंडर कितना आया? 3। अब 7 की पावर 3 दुनिया जानता है 7 की पावर 3 कितना होता है? 3 4 3, एंड दिस इज लास्ट डिजिट इज योर आंसर। बोल भाई कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? आप कहोगे हाँ आ रहा है। चलो अब बात करते हैं थोड़े क्वेश्चंस की, ठीक है ना? ये सबको समझ में आ गया तो अब स्क्रीनशॉट लो फिर आगे के। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट आंसर बताओ। ये क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट हो गया, इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन हो गए, ये उसी पे बेस्ड क्या हो गया? दो क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। अब मैं फटाफट क्वेश्चन, ये कब की बात है? जब पावर फोर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, जब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका क्या हो रहा है? बच रहा है, तब की बात करी हूँ, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताओ 3 8 यहाँ पर कह दिया जाए 4 की होल पावर 689, यहाँ पे कर दिया जाए भाई कितना कर दिया जाए आपका, यहाँ पे 4 कर दिया जाए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ से कह दिया जाए कि 39 यहाँ पे कर दें अगर 2 की होल पावर 8927 कर दें। इन दोनों का फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए।
बहुत कम टाइम है आपके पास, फटाफट। अब देखो यहां पे हम कैसे करेंगे, यहां पर एक चीज समझना कि यहां पर अगर हम क्यों यहां बात करेंगे केवल किसी फोर की, अब फोर की पावर कितना हो गया 94, फोर की पावर कितना हो गया 94, इस 94 को अब हम कितने से डिवाइड करेंगे, तो आप फोर से डिवाइड करेंगे, तो फोर टू जा कितना होगा 8, यहां कितना आया 1, यहां आया 4, फोर थ्री जा कितना होगा 12, रिमाइंडर कितना बचा 2, बस इस 2 को 4 के ऊपर लिख दो, 4 का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा भाई। यहां पे कौन बचा है 2, यहां पर कौन है भैया 2 है, तो यहां पे हम 2 की पावर 27 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो 27 को कितने से डिवाइड करोगे आप 4 से, है ना, तो यहां पर कितनी बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी 2 की पावर 3, और दुनिया को पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है 8, दिस इज योर आंसर। बोल भाई कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया, एकदम आप कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर तो फटाफट आ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे चला जाए। चलिए एक सवाल मैं और देता हूं आपको, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और कमेंट करके बताते रहेंगे कि हाँ खूब बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलो भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल की अगर हम बात करें, अगले सवाल की, तो अगले सवाल में अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे 504 की होल पावर 108 है, नहीं 8 नहीं लेते हैं क्योंकि अभी ये 10 मान लो यहां पे कितना दे रखा है 6 है, और प्लस बीच में रख दिया, मैंने कहा कि 409 की होल पावर मान लो 409 ही है, इसमें आपको बताना है क्या, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, इसका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, फटाफट सब लोग बताएंगे, फटाफट सब लोग बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, अब तो सबका दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह चल रहा होगा कि क्या करना है, अपने को मतलब केवल 4 से है, तो 4 की पावर 06 लिख दो, और प्लस यहां पे हो गया 9 की पावर 09 लिख दो, तो आप कहोगे 06 का मतलब 6 ही होता है, और 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और 09 का मतलब 9 ही होता है, अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो ये आएगा 16, ये आ जाएगा 9, 16, 9 मिलके 25, 25 का यूनिट डिजिट 5 है, एंड दिस इज योर आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, चलो आगे की बात कर लेते हैं ना, कोई है ना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि वेन पावर इज डिविजिबल बाई 4, आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि क्यों 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए क्या आप ये जानना चाहते हैं कि 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम 5 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हैं हम 5 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम 6 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 7 से क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। मैं है ना अभी देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कहने का मतलब क्या है, हमने अभी यहां पर लिखा था कि ये वाला लिखा था हमने कि वेन पावर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, अब इस कॉन्सेप्ट में आते हैं कि पावर इज डिविजिबल, हाँ अभी तक हमने ये वाला पढ़ा, व्हेन पावर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, अब हम ये वाला पढ़ेंगे व्हेन पावर इज डिविजिबल बाय 4, पावर क्या है डिविजिबल है, ठीक है, तो अगर पावर डिविजिबल होगा तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 896 यहां पे कह दिया जाए 3 की होल पावर, यहां पे दे दिया जाए 89, यहां पे हम कह दें कि 4 और यहां पे कर दें 8, मान लीजिए आपसे कह दें, और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट, तो अब अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो यहां 3 लिखोगे, यहां 48 लिखोगे, और जैसे ही 48 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, और फिर 8 मतलब फिर एक बार दो बार जाएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 0, आप कहोगे 0 आ गया, 3 की पावर 0 लिख दो, आंसर लग दो 1, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, तो आप कहोगे सही तो चल रहा है, कैसे गलत होगा, जैसे समझो अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर क्या लिख देता कि 896 जहां पे 3 वहां पे अगर मैं 5 कर देता और इसकी पावर 8948 कर देता, तो जरा याद करो फिर क्या करते, यहां पे आया 5 है ना, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, यहां पे आता 5, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो अगर इसकी पावर 0 लिखेंगे तो आंसर आएगा 1, जबकि मैंने बताया अगर यूनिट डिजिट 5 होगा तो आंसर भाई सॉल्व नहीं करते, आंसर 5 ही आना है, जबकि ऐसे क्या आया 1 आ गया, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया,
बिल्कुल गलत हो गया। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि आपको पावर फोर से पूरा डिविजिबल होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है, यूनिट प्लेस पे कौन है थ्री, उसके ऊपर चार ही यानी फोर ही लिखना है, क्योंकि पावर किससे डिविजिबल हो गया, फोर से। अगर पावर फोर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसके ऊपर क्या लिखना है, फोर ही लिखना है। और अगर किसी नंबर की पावर फोर आपको निकालना है तो आप उस नंबर को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कितने टाइम्स, फोर टाइम्स। तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, और नाइन नाइन जा एटीन, तो एटीन का यूनिट डिजिट वन, काम खत्म क्वेश्चन। बोले बात आगे समझ में। अगर कभी पावर फोर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो यूनिट प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, एज पावर क्या लिख देंगे, फोर ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये बात आगे समझ में। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, मुझे बताइएगा 677 की होल पावर 8954292। मान लो ऐसे दे दें, पावर कुछ भी दे दें, उससे कोई नहीं, चाहे डेढ़ डिजिट दे दें, तो यहां पे 7 की पावर 92 होगा कि नहीं, और ये 92 4 से पूरा डिविजिबल है, तो 92 अगर 4 से पूरा डिविजिबल है तो 7 की पावर 4 ही लिखेंगे। अब 7 की पावर 4 आपको याद नहीं करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 9 9 जा 81, रिमाइंडर सॉरी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत, अब आप कहोगे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया, कैसे करना है क्वेश्चन को। मैं एक क्वेश्चन और आपको यहां पर दे रहा हूं, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 58 की पावर 900 दिख रहा है, ठीक है, कलर ठीक है ना भाई, कि चेंज कर दे, चलो चेंज ही कर दे रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 58 की पावर 900, इसका आप यूनिट डिजिट बताओ, इसका आप यूनिट डिजिट बताओ। तो याद रखना, ये जो लास्ट में दो जीरो लिखा है ना, ये हमेशा फोर से डिविजिबल होता है। आप इसे 900 अगर 100 ही समझ लो, 900 को अगर 100 ही कहो तो 100 तो 4 से कट जाएगा, 25 देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब 8 की पावर 4 लिखना है, 8 की पावर 4 मुझे नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 8 करेंगे, 8 टाइम 64, 64 का मतलब 4, 8 टाइम 64, 64 का मतलब 4, और 4 चौके 16 का इकाई अंक कितना आएगा, 6, 10 से 19, यानी यूनिट यूनिट प्लेस का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बोल भाई कोई दिक्कत, तो ये दो टाइप इसमें भी हैं, जो कि मैंने एकदम बेसिक से पूरा क्लियर करा दिया है कैसे सॉल्व करना है। लगे हाथ एक क्वेश्चन और भी कर दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको लगाना है। पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल है 583 की होल पावर 8925, पहला। दूसरा क्वेश्चन है 689 की होल पावर 8935, तीसरा क्वेश्चन है 606 की होल पावर 98। सारे मिक्स क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये क्या है, HW, ये क्या आ गया, HW है, HW का मतलब हार्ड वर्क, होमवर्क नहीं है ये, बहुत हार्ड वर्क है। 584 की होल पावर 4049, पांचवा क्वेश्चन है 103 की पावर 104 प्लस 104 की पावर 103, इसका भी आपको आंसर बताना है। सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है 1892 की होल पावर 8935, सेवन है, और आपका सेवन नंबर का क्वेश्चन है 892, यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे अगर सेवन कर दें कि होल पावर 9359, अगर ऐसे कर दें। एट नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर इस नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, कैसे, जैसे अगर मैं कह दूं कि 118 की पावर 100 फैक्टोरियल, चला देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर, 18 की पावर 100 फैक्टोरियल का क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जो तेज तर्रार लड़का होगा, मैं जान रहा हूं कि सभी लोग तेज हैं, वही कमेंट करेगा, मुझे पता है, ठीक है।